गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी होगी हमारी सुबह, तो पंडित ही उठ गया है सोकर। थोड़ा सा अभी भी बीमारी है, अभी ज़रा खुश हो रहा है क्योंकि मैंने इसका फेवरेट शो कोको मैलन लगाया हुआ है और बाहर बैठे हुए हैं। पापा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इनको जो ज़ख्म हुआ है उसमें कट लगना है, तो डॉक्टर ने चीरा लगाना है, तो वो अभी जाने वाले हैं। और बाकी मैं मम्मी ने भी सारा काम कर दिया है क्योंकि वर्णित किसी के पास बैठ नहीं रहा है, तो मम्मी ने काम वगैरह कर दिया। और बूजी भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारे, तो मैं तो बस वर्णित को पकड़ के ही बैठी हुई हूँ। तो बाकी मैं उसके बाद मैं बताती हूँ। और यहाँ पे मम्मी पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल, मम्मी पापा चले पापा को चेक कराने के लिए। तो अभी मैं और वर्णित ऊपर आए हुए हैं टेरेस पे घूमने के लिए, क्योंकि वर्णित बैठ नहीं है। और आज का है डलहौजी का, यहाँ पे लोग कहीं पे जा रहे हैं रास्ते से होकर सकते हो आप। और ये है हमारी छोटी सी लोहाली गांव, और ये है यहाँ का नज़ारा। और उस तरफ जो आपको दिख रहा है वो है सदर बाज़ार, सुभाष चौक, वो वाला मार्केट, और यहाँ ऊपर पड़ता है जी पी ओ। और ये वाले भी हमारी लोहाली का ही एरिया है गांव जो आपको दिख रहे हैं। और तो मैं अभी जा रही हूँ डिनर बनाने और मैं पापा के पास। और ये है मेरी ननद का बेटा इबू वर्णित। पापा के लिए अलग से आटा गूंद रही हूँ, इसमें मैंने वीट और बेसन डाला हुआ है, थोड़ा सा 100 ग्राम वीट, आई थिंक 50 ग्राम बेसन है, क्योंकि उसके बारले मेरे पास है नहीं अभी बारले का आटा, तो मैं अभी इन्हीं दो आटे को बना के पापा के लिए चपाती बनाती हूँ।